हेलो गाइस, मैं प्रांशु आप सभी लोगों के साथ फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। आज का हम लोग का टॉपिक है गाजर लाल क्यों होता है या गाजर ऑरेंज कलर का ही क्यों दिखाई पड़ता है। तो इसके पीछे सिंपल सा एक रीज़न है कि वो बीटा कैरोटीन नाम का एक कंपाउंड उसके अंदर पाया जाता है, एक बीटा कैरोटीन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से वो ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हुआ फैक्ट, लेकिन व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिहाइंड इट। अब देखो, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल प्ले होता है। यहाँ पर बीटा कैरोटीन ऑरेंज क्यों दिखता है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि बीटा कैरोटीन ऑरेंज कलर क्यों दिखाता है। तो देखो, इसका आंसर सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने अच्छे तरीके से देता है। आप लोग जानते हो, यहाँ पे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार। ये 4 टाइप के आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, जिसमें से इस समय हमारे काम का ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कब होता है बेटा? पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारा जब किसी कंपाउंड में होता है जिसमें पाई बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद हो। ठीक है ना, वहाँ पे पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमको देखने को मिलता है। अब पाई बॉन्ड किसमें मौजूद होता है, जैसे मान लो अल्किन में होता है, कीटोन में होता है, अल्किन ये रहा, कीटोन ये रहा, ब्यूटाडाइन ये रहा। ठीक है, जहाँ पे भी पाई बॉन्ड मौजूद होगा वहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, और हर एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेवलेंथ होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा E = hν, E = hc/λ, क्योंकि न्यू की वैल्यू क्या होती है? c/λ होती है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं E = inversely proportional to λ, मतलब हर एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हमको कोई ना कोई वेवलेंथ मिलेगी। और एनर्जी देखो, एक स्पेसिफिक एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं और क्या बोलते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मिल रही है, तो वेवलेंथ भी हमको वैसे ही मिलेगी। एनर्जी अगर बड़ी होगी तो वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, और अगर वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी तो एनर्जी छोटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, सिंपल एल्कीन में यहाँ पे यह है इथीन और यहाँ पे कीटोन दे दिया गया एसीटोन। यहाँ पे जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो है 170 नैनोमीटर, मतलब इतने वेवलेंथ का वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके क्या हो रहा है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो कर रहा है। लेकिन ब्यूटाडाइन में यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ही पाई बॉन्ड बढ़ा, कंजुगेशन बढ़ा, यहाँ पे देखो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू भी बढ़ गई। तो जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब हायर वेवलेंथ पे रेडिएशन का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। बीटा कैरोटीन में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 11 पाई बॉन्ड्स हैं कंजुगेशन में इन्वॉल्व, तो यहाँ पर जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो और बढ़ चुकी होगी। ठीक है, वो और क्या होगी, बढ़ चुकी होगी। यहाँ पे देखो 170, 217, यहाँ पे 450 के और आगे। ठीक है ना, तो यानी ये विजिबल रेंज में पहुंच गया। विजिबल रेंज आपको बता दूं कहां से कहां तक होता है, 400 से 860 नैनोमीटर के बीच में विजिबल रेंज आता है। और जब भी लैम्डा की वैल्यू इस विजिबल रेंज में लाई करने लगती है तो वो कंपाउंड हमारा कैसा हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, मतलब हमको दिखने लगता है। ठीक है, तो दैट वॉज द रीजन वाई बीटा कैरोटीन इज कलर्ड एंड वाई कैरेट इज ऑरेंज। ठीक है, ये तो वो बीटा कैरोटीन के बारे में सिंपल सा चर्चा कि वो ऑरेंज या फिर कलर्ड क्यों होता है। अब देखो, बीटा कैरोटीन कुछ और भी प्रॉपर्टीज रखता है, जैसे यहाँ पर बता दूँ मैं। जैसे हमने बीटा कैरोटीन लिया, गाजर खाया, ठीक है, बीटा कैरोटीन हमारे बॉडी में गया, तो बीटा कैरोटीन क्या करता है, उसको हमारा बॉडी जो क्या करता है, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, विटामिन ए में। विटामिन ए में हमारा बॉडी उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में। अब विटामिन ए हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हमने विटामिन ए ले लिया तो वो टॉक्सिक भी होता है। लेकिन हमारा बॉडी ऐसा नहीं करता है, जितना हम बीटा कैरोटीन लेते हैं उसका एक स्मॉल अमाउंट ही विटामिन ए में कन्वर्ट करता है, जितना बॉडी को नीड रहती है, और बाकी वो निकाल देता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसका क्या यूज़ हुआ, ये हमारा इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है। ठीक है ना, इम्यून सिस्टम को और मजबूत करता है, कौन, बीटा कैरोटीन। ठीक है, और एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी ये वर्क करता है, एंटीऑक्सीडेंट ये बिहेव करता है, वर्क करता है। अब यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब वो मॉलिक्यूल्स का, हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के, उनको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। ऑक्सीडाइज होने से क्यों रोकता है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो गए तो वो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं जो कि हमारे बॉडी के सेल्स को पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है ना, उनको डैमेज पहुँचाते हैं जो कि सेवरल इलनेस का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये उनको ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, रोक के रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अंदर गए लंग्स में, अब वो ऑक्सीडाइज होकर के एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं लंग्स में ही, तो वो क्या करेगा, लंग्स को डैमेज करने लगेगा।
तो अगर हम लोग बीटा कैरोटीन लेते रहेंगे, ये एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, वो उस ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा और हमारा लंग्स प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स बीटा कैरोटीन के बारे में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट बिलो कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।